हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लाया हूँ आखिरी लेक्चर जिसका नाम है प्रोजेक्ट सिलेक्शन ऑन द बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोजेक्ट सिलेक्शन ऑन द बिजनेस का मतलब होता है जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो इफेक्टिवली कैसे रन करे और वो कैसे इफेक्टिवली मैनेज हो। तो इसके लिए जो हमारे पास 5 क्राइटेरिया है वो है इम्प्रूवमेंट टू की बिजनेस मैट्रिक्स। पहला क्राइटेरियन है इम्प्रूवमेंट टू की बिजनेस मैट्रिक्स। अब क्या हमारे पास सारा जो इन्फॉर्मेशन तो रहता ही है कि हमारे पास कौन आ रहा है, कस्टमर्स कितना कस्टमर आ रहा है, कितना सामान खरीद रहा है और कौन से कस्टमर जो है फ्रीक्वेंसी उसकी किसकी कौन से किस टाइप के कस्टमर्स की फ्रीक्वेंसी कम है, किस टाइप के कस्टमर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये सारा मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी रहता है। अब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम कितना परसेंट बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर हमारे पास महीने में एक बार आता है तो हम कैसे उसको अपने पास दो बार बुलाएं, या कोई कस्टमर हमसे फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट का सामान परचेस करता है तो उसको हम कैसे एक्स प्लस वन अमाउंट का सामान परचेस करवाएं, राइट। तो इस प्रकार की ये सारी चीजें, तो ये एक रियलिस्टिक अप्रोच रहती है जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, डेटा में हम कितना परसेंट बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम कितना इंप्रूव करना चाहते हैं सारा डेटा को, ठीक है ना। तो ये चीज आती है, तो पहला क्राइटेरिया, इसको हमको फुलफिल करने के लिए इसके लिए हमको प्रोजेक्ट प्लान करना पड़ता है। दूसरा होता है हमारा रिडक्शन टू साइकिल टाइम। अब रिडक्शन टू साइकिल टाइम ये बहुत तरीके से हमको मदद करती है, बिकॉज जितना हम टाइम सेव करते हैं उतना ही हम पैसा ज्यादा कमाते हैं, उतना ही हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करता है अगर साइकिल टाइम कम रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सपोज कीजिए, अगर हम एक उस पे खड़े हैं, छोटा एग्जांपल लेते हैं अपन, एक माल सुपर स्टोर में खड़े हुए, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर पे खड़े, काफी अच्छा खासा साइजेबल ग्रोसरी स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल डी मार्ट पे हम लोग खड़े। अब डी मार्ट में अगर आपका जो कस्टमर आए और सारा सामान उठा के बिलिंग में उसको आधा घंटा लग जाए, तो आप ये विश्वास मानिए कि अगली बार वो आपकी मार्ट पर आने में 10 बार सोचेगा। लेकिन अगर उसी कस्टमर को बिलिंग 5 मिनट में हो जाए तो आप ये मान के चलिए वो फ्रीक्वेंटली आए। तो ये चीज देखना पड़ती है कि वो साइकिल टाइम, ये तो छोटा, ऐसे प्रोडक्शन में आइए। अब प्रोडक्शन में फॉर एग्जाम्पल आप कार मैन्युफैक्चरर है, अब कार मैन्युफैक्चरर आप एक कार की असेंबली फॉर एग्जाम्पल 6 घंटे में करवाते हैं, आपका जो स्किल्ड लेबर है वो 6 घंटे में आपकी कार की असेंबली कर देता है। अगर वो 6 घंटे के बजाय 5.5 घंटे में करे तो वो जो आधा घंटे का असेंबली में टाइम बचता है, ओवरऑल कितना टाइम बचेगा उसमें आपका। हो सकता है प्रोडक्शन 10 कार अगर आप डेली प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप 12 कार प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख कार प्रोड्यूस करना कर रहे हो तो आप हो सकता है 1,05,000 कार प्रोड्यूस करो, और वो 5,000 कार का भी जो प्रॉफिट है वो भी तो आप ही के पास आए। तो ये साइकिल टाइम रिडक्शन, ये डायरेक्ट हमारे जो है प्रॉफिट को भी बढ़ाता है, हमारी कॉस्ट को भी घटाता है। तीसरा क्राइटेरियन है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है, इंप्रूवमेंट टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है हमसे और हमारे प्रोडक्ट से और हमारी सर्विसेज से, चाहे हम कैसी भी सर्विस दे रहे हो, मतलब किसी भी टाइप का, ऐसा किसी भी से मतलब है हम किसी भी प्रकार के सर्विस बिजनेस में हो, या हम किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, या हम किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग बिजनेस में हो, व्हाटएवर, बट हमारे पास जो कस्टमर है वो कितना सेटिस्फाइड है। अब इसके लिए हमको डिसाइड करना पड़ता है उसका सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या, उसको क्वान्टिफाई कैसे करें, उसके लिए क्या क्राइटेरिया फिक्स करें कि हाँ भाई इतना हो गया तो इसको इतना इसको हम सेटिस्फाइड माने। जैसे आप अपना करते हो ना, छोटे छोटे 5 स्टार दे दिया, 4 स्टार दे दिया, तो ये क्वांटिफिकेशन हो जाता है। ऐसे ही हमारे कस्टमर का फीडबैक है, वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो रेटिंग है, आज इतना सेटिस्फाइड है कस्टमर, आज इतना परसेंट कस्टमर हमको 5 स्टार देता है, आज इतना परसेंट कस्टमर हमको 4 स्टार देता है, आज इतना परसेंट कस्टमर हमको 3 स्टार देता है। अब इसको हम रियलिस्टिक अप्रोच लेके थोड़ा आगे बढ़ाए कि भाई 3 स्टार वाला 4 स्टार तक आ जाए, 4 स्टार वाला 5 स्टार तक आ जाए, परसेंटेज हमारा 5 स्टार का बढ़ता चला जाए, ठीक है ना, 1 स्टार का घटता चला जाए। ये जो है इम्प्रूवमेंट है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इम्प्रूवमेंट,
ये सब कस्टमर के सर्वे, कस्टमर के फीडबैक के आधार पर हम अपने ऐसे प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं। फिर आता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन बहुत सारा अपने को देखना पड़ता है कि हम कैसा पुरानी प्रोसेस को हटाकर नई प्रोसेस लगाएं सच दैट कि हमारा कॉस्ट रिडक्शन आए। जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अभी अगर हम कोई चीज काम हाथ से करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉटन लेके कॉटन का धागा बनाने के लिए चरखे का इस्तेमाल करते हैं, तो एक आदमी दिन भर में कितना निकालेगा, धागा निकालेगा, और वही स्पिनिंग मिल में लगा दिया जाए कॉटन, तो एक दिन में कितना ज्यादा धागा निकाल दे, तो इसे अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा बढ़ता है, नो डाउट। बट अगर मेन पावर अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करोगे आप, दिक्कत आएगी ना। तो ये चीजें हमको देखनी पड़ती है कि प्रोसेस को हम कैसे ऑटोमेटेड प्रोसेस ले आए। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी दुकानदार का एग्जाम्पल ले लें, वो अपना हाथ से ही अपना टोटल लगा देता है, और अगर उसको अपने मशीन दे दी कि जिसमें अपना से वो बटन दबाता जाए और बिल बनता चला जाए, तो ऑब्वियसली उसका टाइम बहुत बचेगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा, गलतियां कम होंगी। इस तरीके ऐसी सारी चीजें ऑटोमेटेड, आप देखोगे आजकल बार कोड का चलन है, जो भी आप प्रोडक्ट लाते हो उस पर बार कोड लगा रहता है, तो उसपे कॉस्ट रिडक्शन होता है। वैसे क्या देखना पड़ता है, बेच नंबर लिखो, एक्सपायरी डेट लिखो, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखो, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस लिखो, वो बार कोड में सारी डिटेल आ जाता है, सिर्फ स्कैन करो सारा का सारा ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है। तो ये प्रोसेस को ऑटोमेटेड करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, वर्क हमारा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज होता है, टाइम कम लगता है, ठीक है, और उससे कॉस्ट भी, ओवरऑल कॉस्ट भी कम आती है। अब आता है फाइनल, इसमें भी जो है फाइनल रिसोर्स रिक्वायर्ड। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर ही ज्यादा जोर डाल दें, नो, ऐसी गलती हमको कभी भी नहीं करना है। अगर हमको बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को इफेक्टिवली मैनेज करना है, तो हमको ऐसा प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा कि जिसमें ये रिसोर्सेज जो एक्स्ट्रा लगेंगे या कैश जो एक्स्ट्रा लगेगा, मनी जो एक्स्ट्रा लगेगा, उसके लिए भी पूरा पूरा प्रावधान रहना पड़ेगा। तो ये चीजें रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस प्रकार से प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, पूरी प्रोसेस। अब आप एकदम रेडी हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करने के लिए, आप आराम से प्रोजेक्ट को, आइडियाज को लेके आइए, फिर उसको इवेल्युएट कीजिए, फिर उसको सिलेक्ट कीजिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।